Hey guys, so आज हम करने वाले हैं डाइजेशन चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स जो कि क्या है हमारे पास टीथ से रिलेटेड। अगर हम बात करें परमानेंट टीथ की, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर कितने टीथ मिलते हैं, 32 टीथ मिलते हैं, ठीक है, जिसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123, यानी कि बड़े होने के बाद अडल्ट्स के अंदर जो परमानेंट टीथ होते हैं वो होते हैं 2123 के फॉर्मूला के अंदर। अगर हम बात करें छोटे बच्चे के, यानी कि किसके बात करें, छोटे बच्चे यानी चाइल्ड की बात करें, तो उसके अंदर होते हैं टेम्पररी टीथ, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत, उन्हीं को ही कहा जाता है मिल्क टीथ भी और डेसिड्यूस टीथ भी। डेसिड्यूस मतलब कि जो टूट जाते हैं, झड़ने वालों प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, कि जिनके पत्ते झड़ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिड्यूस प्लांट। तो ठीक ऐसे ही छोटे बच्चों के दांतों को क्या बोला जाता है, डेसिड्यूस टीथ भी। तो छोटे बच्चों के दांत हैं उनका फॉर्मूला होता है 2103, क्योंकि इनके अंदर प्रीमोलर्स होते हैं एब्सेंट, और प्रीमोलर की जगह पर कौन ग्रो करते हैं, मोलर। यानी कि अब ऐसा तो होता नहीं कि छोटे बच्चों के दांत के बीच में गैप होता है, नहीं होता ना, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर प्रीमोलर की जगह पे कौन ग्रो करते हैं, मोलर ग्रो करते हैं। बट हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2103। तो छोटे बच्चों में होते हैं 20 टीथ। उसके बाद में एक टीथ ऐसा भी होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अकल जाड़ भी बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज के अंदर। अब इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको किस में काउंट किया जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर। तो ये है हमारे टीथ के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बन सकते हैं आपके। सो स्टे ट्यून्ड विद क्लासी नेहरा, फॉर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स आपके लिए आते ही रहेंगे हमेशा।